आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। जबलपुर के कटगी रोड मरहुताल के पास स्थित श्री श्याम मंदिर श्री कृष्णमिको सोसाइटी के पास धन श्री सेवा संस्था के संस्थापक पंडित कामता महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सप्तम दिवस पर सुदामा चंद्र के साथ साथ कथा का समापन हुआ। पंडित कमलेश शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन विभिन्न झांकियों के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा था, जिसका सुदामा चंद्र के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कल पूरा होते हवन एवं भंडारा होगा। श्री श्यामा श्याम मंदिर के प्रांगण में श्री धाम धनश्री पूजा संस्थान के संस्थापक परम पूज्य पंडित कामता महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का सप्त दिवसीय आयोजन का आज सुदामा चरित्र के माध्यम से सप्तम दिवस की कथा पूज्य व्यास जी महाराज ने की और झांकियों के माध्यम से सुदामा चरित्र की लीलाओं का वर्णन भी हुआ और हम लोगों ने झांकियों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुति प्रदान की। कथा के माध्यम से व्यास जी ने बताया कि जो ब्रज की भूमि है वह प्रेम की भक्ति की भूमि है, जो अयोध्या की भूमि है वह वैराग्य की भूमि है और काशी की जो भूमि है वह ज्ञान की भूमि है। किंतु उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि जो संस्कारधानी जबलपुर है वह माँ नर्मदा के तट पर विराजमान है, अतः माँ नर्मदा का जो पावन तट है वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों की भूमि में बैठ करके हम लोग कथा श्रवण करते हैं, इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और इस कथा के मध्य में अनेकानेक साधु संतों महंतों का भी आगमन हुआ है। हमारे कृष्णम इको सिटी सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में सभी जो भी श्रद्धालु भक्त हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर के आज सुदामा चरित्र का उन्होंने लाभ लिया है। और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय श्री संगीत से जुड़े हुए खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा लेकर के श्रीमती ज्योति तिवारी ने सुमधुर कंठों से भजनों की यहाँ पर प्रस्तुति दी है। आज कार्यक्रम सुदामा चरित्र के द्वारा संपन्न हुआ। कल पूर्णाहुति और हवन भंडारा प्रसाद होगा। मैं पंडित कमलेश शास्त्री। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।